हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस रावत की रसोई में। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी रेसिपीज आपको मिलते रहे। सो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंगो रवा केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही स्पंजी और बहुत टेस्टी बना हुआ है। स्पेशली बच्चे इसे बहुत इंजॉय करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप भी इसे जरूर ट्राई करेंगे। सो चलिए आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हमें लेना है मिक्सर जार और उसमें ऐड करेंगे हम एक कटोरी रवा और एक कटोरी शक्कर, आधा कटोरी दही, आधा कटोरी तेल और मैंगो पल्प्स, जो कि एक मैंगो का है। अब इसे मिक्सर में हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे। अब हमारा पेस्ट रेडी है, इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड मिल्क आधी कटोरी। इससे केक का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आधी कटोरी दूध, इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा केक अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, इसे हम ढककर रख देंगे 10 से 15 मिनट ताकि रवा अच्छी तरीके से फूल जाए। यहाँ मैंने लिया है टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट, ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो जरूर डालिए। और इसमें ऐड करेंगे हम आधा चम्मच मैदा ताकि इसकी स्टिकनेस अच्छी निकल जाए और ये केक में अच्छी तरीके से स्प्रेड हो सके। अब हम लेने वाले हैं केक टिन। यहाँ मैंने एक स्टील का डब्बा लिया है, अगर आपके पास में केक टिन हो तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। और इसे हम चारों तरीके से ऑयलिंग कर लेंगे, या हम किसी भी बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब हमारा बैटर फूल गया है और इसे हम थोड़ा सा घुमा लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम मैंगो एसेंस, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कीजिए, अदरवाइज इसमें नहीं ऐड करेंगे तो भी चलेगा। मैंगो एसेंस हमने लेना है 2 से 3 ड्रॉप और इसे मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच दूध की, और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट और टूटी फ्रूटी और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ट्रांसफर करेंगे केक टिन में। अब इसे ऊपर से हम फ्लैट कर देंगे ताकि ये ऊपर से फटे ना, और टैप कर लेंगे ताकि इसके बबल्स निकल जाए। और इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और टूटी फ्रूटी ताकि ये दिखने में भी अच्छा दिखे। यहाँ मैंने प्री हीट कर लिया है पैन को और अब हम इसमें केक टिन रख देंगे और इसे ढक देंगे और इसे स्लो गैस पे कम से कम 40 से 45 मिनट हम इसे पकाएंगे। अब हमारा 40 से 45 मिनट हो गया है, अब इसे चेक करेंगे और टूथपिक से हम इसे देखेंगे तो देखो कहीं भी स्टिक नहीं हो रहा है। अब इसे हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे
केक जब पूरा ठंडा हो जाए तभी हमें निकालना है इसे। अब हमारा केक ठंडा हो गया है और पहले हम इसे साइड से निकालेंगे चाकू से, और आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी तरीके से पका हुआ है। अब हम इसे कट कर सकते हैं और आप जैसा चाहे वैसे कट कर सकते हैं इसे। और आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से स्पंजी और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। आई होप आप सभी लोग इसे जरूर ट्राई करना, और फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे ट्राई करेंगे तो प्लीज आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ में जरूर शेयर करना, और अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी मेरी सजेशन। ये दूसरा पीस भी मैं दिखा देती हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं काफी स्पंजी है और ये उतना ही टेस्टी भी है। फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यूजफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर योर एक्सपीरियंस इन